गूगल की तरह बिंग ने भी अपने वेब के टूल्स लॉन्च किए और बिंग भी चाहता था कि जो वेबसाइट ऑनर्स हैं उनसे वो बात कर सके कि उनकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है बिंग सर्च इंजन के अंदर और वो किस तरह से जो वेब मास्टर्स हैं वो उसको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिंग के लिए गूगल वेब मास्टर टूल्स और बिंग वेब मास्टर टूल्स में ज़्यादा डिफरेंस दा नहीं है दोनों अपने अपने सर्च इंजन के लिए जो जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके तहत आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं बल्कि आपकी वेबसाइट को एनालाइज़ करते हैं और आपको एरर्स बताते हैं कि क्या एरर्स हैं जो आपको फ़िक्स करने चाहिए क्या परफॉर्मेंस जा रही है कितनी आपकी रैंकिंग आ रही हैं कितनी आपकी जो है वो ट्रैफिक आ रही है ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं लेकिन बिंग चूँकि ऑफकोर्स एक छोटा सर्च इंजन है एज़ कम्पेयर टू तो गूगल बिंग की इतनी वो जिस तरह से सर्च इंजन की वैल्यू नहीं है तो बिंग ऑलमोस्ट तो उस तरह से इतने इंपॉर्टेंट कुछ लोगों का नहीं लगते हैं लेकिन अगर आप ऐसी कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है आपके टाइम है अगर रिसोर्स हैं तो आप बिंक के ऊपर भी एस करें मैं आपको अभी इस टॉपिक में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है थोड़ा सा मैं आपको इसके फीचर्स भी बता दूंगा बाकी आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको गूगल वेब मास्टर टूल्स समझ आ गया है तो आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स भी समझ आ जाएगा सो आइए देखते हैं अगर आप बिंग वेब मास्टर टूल्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी कि वेबसाइट में क्या क्या है आप इसको डिटेल में ब्राउज कर सकते हैं हम यहाँ से साइन इन पर जाके लॉग करेंगे बिंग वेब मास्टर टूस की अच्छी बात यह है कि वो माइक्रोसॉफ्ट गूगल या फेसबुक किसी भी अकाउंट से लॉग इन करने देता है आपको तो मैं गूगल से मैंने अकाउंट बनाया तो मैं इसमें गूगल से लॉग इन करूँगा तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट ऐड की है जो कि अभी उसकी साइट ऑनरशिप अभी पेंडिंग है मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए मैं यहाँ पर उमान डॉट को तो डिमेंड लिखूँगा ए HTTP या ए डिपेंडिंग ऑन कि वो यू क्या है मेरा डब्ल्यू 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 डॉट पूरा यू आर एल है तो मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा वो मुझे एक बॉक्स देगा जहाँ पर मुझसे वो मेरी डिटेल्स मांगेगा इसमें साइट मैप मांग रहा है और वो मुझसे जो है यू आर एल मांग रहा है जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे शायद आपसे बाकी चीज़ें भी वो आपका एड्रेस और कंट्री वगैरह भी आपसे डिमांड करे जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये गूगल वेब मास्टर टूल्स की तरह ही आपको ऑप्शन देगा कि आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं एक फ़ाइल अपलोड करके ये बिंग साइट ऑथ की फाइल इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी ये आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है और मेक श्योर sure करना है कि इस यू के ऊपर ये फाइल चलनी चाहिए तो जैसे आप अपलोड करेंगे अभी फिलहाल चूँकि एक फाइल पहले डाउनलोड थी तो उसका नाम चेंज हो गया लेकिन अगर आप ये वेबसाइट फर्स्ट से डाउनलोड करेंगे तो ये बेसिकली वही फाइल है इसको मैं अपनी वेबसाइट में जाकर अपलोड करूँगा तो ये यू चल पड़ेगा जब ये जू चल पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी साइट वेरीफाई हो जाएगी तो ये तरीका है इनका सर्च इंजेंस का वेरीफाई करने का क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट करेंगे जब तक कि आपके उसके एक्सेस नहीं होगी आपके पास उसकी होस्टिंग की तब तक आप ये फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकेंगे या आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं होगी तब तक आप ये नेम जो ये मेटा टैग है ये ऐड नहीं कर सकेंगे तो आप ये टैग भी डाल के अपनी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ऑनर हैं या अपनी अगर आपने डोमेन रजिस्टर जहाँ से कराई है वहाँ पर डी सेटिंग की एक्सेस है तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि किस होस्टिंग से आपने डोमेन ली है किसी भी होस्टिंग से आपने लिया है तो बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गूगल भी आलमोस्ट यही काम करेगा जो बिंग वेब मास्टर टूल्स में हो रहा है और ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा हम बेसिकली गूगल को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें और ये आलमोस्ट उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिंग वेब मास्टर टूल्स और गूगल वेब मास्टर टूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसकी डिटेल में मैं ऐसे नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी हम गूगल वेब मास्टर टूल्स की बात कर चुके हैं आप जब गूगल वेब मास्टर टूल्स शुरू करेंगे आपको बैंक वेब मास्टर टूल्स भी खुद ही समझ आ जाएंगे आप उसमें अपनी वेबसाइट इंडेक्स करें उसको रजिस्टर करवाएं उसकी ऑनरशिप जो है वेरीफाई करें और उसके बाद जो है आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें जो भी आपको रिपोर्ट्स आएंगी अगर एरर्स होंगे तो वो भी आपको पता चल जाएंगे नहीं तो आप गूगल की बिंग की जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए वे, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ बिंग के लिए कर सकेंगे इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो दोनों सर्च इंजन में ज़्यादा फर्क नहीं है जो पॉलिसीज़ गूगल बनाता है बैंक भी ऑलमोस्ट वही पॉलिसीज़ फॉलो करता है क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सर्च इंजन हैं दोनों का फोकस यूजर एंड पे यूज़र एक्सपीरियंस होता है और अगर यूज़र एक्सपीरियंस आप अच्छा करेंगे तो आप अल्टीमेटली दोनों सर्च इंजन के लिए एस करते रहेंगे